नमस्कार, मैं ललित सोनी दृष्टि पीसीएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, या फिर जो संविधान की आधारभूत संरचना है उसके बारे में। ये कॉन्सेप्ट कब आया, कैसे आया, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये सब आज हम देखेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक जो है इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, जिसका टाइटल है बेसिक स्ट्रक्चर सो फार। अभी तक जो है बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हुए उसके बारे में बात करेंगे। इट हैज बीन डिबेटेड, देर इज अ रीजन वाई इट सर्वाइव्ड। ये इतने टाइम से इस पर डिबेट्स चलती आई है, इसमें कई ऐसे केसेज आए हैं जिनमें इस पर वापस क्वेश्चन किया गया है, इसको रिकन्सिडर करने की बात की गई है, लेकिन देर इज सम सब्सटेंस, कुछ तो इस पर ऐसी एक बात है जिसकी वजह से ये अभी तक सर्वाइव किया हुआ है। चलिए देखते हैं आज के डिस्कशन में कि ऐसा क्या है और ये सब कैसे हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार इस आर्टिकल की जो है आउटलाइन देख लेते हैं और हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे वो बात कर लेते हैं। हम तो एक बैकग्राउंड देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर आया कैसे। आप सभी जानते होंगे केशवानंद भारती जजमेंट जो है, इतना पॉपुलर जजमेंट है जो माना जाता है कि जिसने बेसिक स्ट्रक्चर की जो है नींव रखी थी। फिर हम लोग डिबेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, अभी हम इस बारे में फिर से क्यों बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर आया था और आज हम 2023 में रह रहे हैं, लगभग 50 साल हो चुके हैं इसको। आपको पता होगा कि ये 23 अप्रैल को ये लैंडमार्क जजमेंट जो है डिलीवर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अब 50 साल के बाद ये डिबेट जो है वापस पिक्चर में आई है। इंपॉर्टेंट जजमेंट क्या है, हम इसमें बात करेंगे कि ये इसका बैकग्राउंड क्या था, इसमें कौन कौन से जजमेंट्स थे केशवानंद भारती से पहले और केशवानंद भारती के बाद में जो इन सब से रिलेट करते हैं। अफर्मिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती के बाद में ऐसी कौन सी घटना हुई या ऐसे कौन से पार्लियामेंट्री एक्ट हुए जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई हाँ ये जो है केशवानंद भारती को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस आर्टिकल को कंक्लूड कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जब हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक आधारभूत संरचना जिसे चेंज नहीं कर सकते, वो एक फाउंडेशन है आपके लिए। आप जानते होंगे एक स्कॉलर हुआ है प्लेटो, उसने किसी टाइम पे एक फिलोसोफर किंग की थ्योरी दी थी कि राजा एक ऐसा होगा उसको सारी पावर दे दी जाएगी, वो जो चाहे कर सकता है, बस एक काम नहीं कर सकता। वो जो उस रिपब्लिक का है उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल सकता। उस जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो उस ऑथर ने लिखा है, उस प्लेटो ने लिखा है, मतलब वो एक बेसिक ऐसी चीजें हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते। वैसे ही भारतीय संविधान की कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने उन चीजों पर ध्यान देते हुए कहा कि ये चीजें जो है पार्लियामेंट अपने पावर में नहीं चेंज कर सकती। केशवानंद भारती ने कहा था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज तो कर सकती है, अमेंडमेंट ला सकती है, उसके पास पूरी पावर है, इवन फंडामेंटल राइट्स तक को चेंज कर सकती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसे वो छू नहीं सकती, वो है बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं कि यह कैसे हुआ। तो क्वेश्चन ये था कि पार्लियामेंट के पास पावर जो है वो किस एक्सटेंट की पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की, चेंज करने की। तो पहले शंकरी प्रसाद केस आया 1951 में, उसमें बोला कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है, पार्लियामेंट जो चाहे बदल सकती है, जैसे चाहे बदल सकती है। ठीक है, इसके बाद सज्जन सिंह केस आया 1965 में, सज्जन सिंह केस ने भी सेम चीज बोली, इसी जजमेंट को अपहेल्ड किया। तो उसके अंदर क्या कहा गया था, उसके अंदर कहा गया था कि पार्लियामेंट कुछ भी बदल सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को भी पार्लियामेंट बदल सकती है। और दूसरा, आर्टिकल 13 में जो ये टर्म लिखी हुई है लॉ, कानून, उस चीज में जो है आपके सिर्फ ऑर्डिनरी कानून आते हैं, मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस और ऑर्डिनरी जो आपके कानून संसद बनाएगी वो आते हैं, ना कि जो आपके अमेंडमेंट एक्ट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो एक्ट होंगे वो इसमें नहीं आएंगे, ऐसा कहा गया था। आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया जा सकता जो फंडामेंटल राइट्स को जो है इफेक्ट करे या फंडामेंटल राइट्स को जो है सबॉर्डिनेट करे। तो इसी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 13 जो इसमें जो लॉ लिखा हुआ आर्टिकल 13 के अंदर, उसका ये मतलब है कि वो ऑर्डिनरी लॉ के बारे में बात कर रहा है, ना कि अमेंडमेंट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये तो था आपका शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह का जजमेंट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक और नया केस आया, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में बोला कि नहीं, आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं बदल सकते। तो उसमें ये बोला कि ऐसा है कि आर्टिकल 13 में जो लॉ लिखा हुआ है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी जो है शामिल है, इसलिए आप फंडामेंटल राइट्स को जो है अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, एक तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास है, और पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है। ठीक है, दूसरा कि आर्टिकल 368 जो है वो भी आर्टिकल 13 में दिए हुए लॉ की मीनिंग के अंदर आता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहां बता दिया है।
तो यहाँ पे ये लिखा गया था कि कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे करता है या ब्रिज करता है उसको जो है कानून नहीं माना जाएगा, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। जब ये दो जजमेंट आए, दो जजमेंट में क्या कहा गया, गोलकनाथ में बेसिकली ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट को जो है अमेंड करने की पावर नहीं है। पार्लियामेंट ने बोला ऐसा है तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे। उन्होंने फिर 24th, 25th, 26th, 29th ये चार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ले आए। उसमें इन्होंने जो है पार्लियामेंट को जो है एक एब्सोल्यूट पावर टाइप दे दी कि वो पार्लियामेंट जो है वो कुछ भी बदल सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इन्हीं चारों अमेंडमेंट को कहीं ना कहीं केशवानंद भारती केस के अंदर जो है कह सकते हैं चैलेंज किया गया। केशवानंद भारती केस क्या था, आप जानते होंगे केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था, उसके अंदर लैंड सीलिंग लगा दी गई थी और केशवानंद भारती जिस मठ के मठाधीश थे उस मठ की जो भूमि थी वो भी उसमें ली जा रही थी। तो उन्होंने बोला कि ये आर्टिकल 26 के विरुद्ध है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अपनी लैंड रख सकते हैं, उनका अधिकार है, तो ये उसके विरुद्ध है। और उसके साथ साथ उन्होंने जो है ये बोला कि आप ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे अमेंडमेंट जो है नहीं ला सकते, ऐसे संविधान संशोधन नहीं कर सकते जो हमारे इस राइट को अब्रोगेट करें। ठीक है, तो ये सारे जो है संशोधन जो है चैलेंज किए गए थे केशवानंद भारती में। अब देखते हैं केशवानंद भारती में हुआ क्या। अभी तक की कहानी ये है कि शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह में जो है कोर्ट ने कहा कि इसके पास एब्सोल्यूट पावर है, हम ये कुछ भी चेंज कर सकती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है आर्टिकल 13 में जो लॉ लिखा हुआ है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। फिर गोलकनाथ केस में ये बोला गया कि आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं अमेंड कर सकते, उसके अलावा कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि ये आर्टिकल 13 में जो CAA है वो भी साथ में इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये संशोधन एक्ट ले आए, अमेंडमेंट एक्ट ले आए, उसको चैलेंज किया गया केशवानंद भारती में। और आप सभी जानते हैं केशवानंद भारती वो लैंडमार्क केस है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो लेकिन एक चीज नहीं छेड़ सकते है, वो है बेसिक स्ट्रक्चर, जो आधारभूत संरचना है कॉन्स्टिट्यूशन की, आप उसको नहीं छेड़ सकते। तो वो कहा गया था केशवानंद भारती में 23 अप्रैल 1973 को कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते। और ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड कौन करेगा, बेसिक स्ट्रक्चर जो है डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट अपने केस बाय केस मेथड पे। सुप्रीम कोर्ट जो है डिसाइड करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है और क्या नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एक थोड़ी सी ज्यादा पावर दी गई यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं कि डिबेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, अब हम लोग इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। जनरली ये अजम्पशन है कि केशवानंद भारती के अंदर जो है इस चीज को रखा गया था, इसकी नींव रखी गई थी, उसके बाद इस पर ज्यादा डिस्कशन हुए नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके बाद इसको रिकंसिडर भी किया गया, बहुत सारे कानून इस पर लाए गए, जैसे कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कंसिडरिंग इट अगेन। 1973 में ये जजमेंट आता है, उसके बाद जो वहाँ जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की इंदिरा गांधी के अंडर में थी, तो उन्होंने बोला कि आप जो है इसको रिकंसिडर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी कि आप इस जजमेंट को जो है रिकंसिडर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जिसके अंदर 13 लोग थे। आप जानते होंगे केशवानंद भारती की बेंच भी जो है 13 लोग की बेंच थी, सबसे बड़ी बेंच थी। अब उस जजमेंट को अगर आपको कंसिडर करना है या रिकंसिडर करना है तो बेंच या तो 13 लोग की होनी चाहिए और ज्यादा मेजोरिटी से जजमेंट दे, या फिर 13 से ज्यादा की बेंच होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से 13 लोग की बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई। डिस्कशन हुआ, दो दिन की डिबेट चली, दो दिन हियरिंग चली, लेकिन उसके बाद जो है इस बेंच को रिजोल्व कर दिया गया। बोला गया कि नहीं, अभी इसको कुछ जरूरत नहीं है रिकंसिडर करने की। ठीक है, इसको रिजोल्व कर दिया गया। ठीक, उसके बाद इंदिरा गांधी वर्सेज दास नारायण केस, आप जानते होंगे कि जब वापस इलेक्शन हुए, इंदिरा गांधी वापस जो है चुनावों में जीत करके बनती है प्रधानमंत्री, तो वहां पे एक इलेक्शन इशू जो है आया था और इलाहाबाद केस में उसका केस फाइल किया गया था राजनारायण के द्वारा। ये कैंडिडेट थे उस टाइम पे, इन्होंने कहा था कि ये जो इलेक्शन हुए वो फ्री और फेयर नहीं हुए। तो इस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है कहा कि ये इलेक्शंस को वॉइड कंसीडर कर दिया जाए, इलेक्शंस को नल एंड वॉइड हम लोग समझेंगे। ठीक है, वापस इलेक्शन करवाने चाहिए। तो गांधी, मिसेस गांधी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की, और वो अपील जब तक सुनने का टाइम आया उससे पहले जो है 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया गया। और उस एक्ट के अंदर जो क्या किया गया, एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया 329A। हम देखते हैं कि आर्टिकल 329 क्या बात कर रहा था। 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या गया था, इसमें बोला कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट
प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर, इनके जो इलेक्शंस हैं वो जुडिशरी के जुडिशियल रिव्यू से बियॉन्ड है। मतलब पहले जो पावर था जुडिशरी को इशू जो है सुनने का, वो अब नहीं है, ठीक है। तो ये बोला गया, दे आर टू बी डिसाइडेड बाय सच अथॉरिटी, जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। पार्लियामेंट एक नई अथॉरिटी डिसाइड करेगी और वो बताएगी कि ये इलेक्शंस जो है फेयर है या नहीं है। तो इसके अंदर बेसिकली जुडिशरी का जो है पावर लेने की कोशिश की गई थी, जुडिशरी का, अच्छा तुम मतलब ये सब कर लोगे तुम लोग। तो उन्होंने जो है जुडिशरी ने बोला कि भाई आपका जो ये आर्टिकल आपने जो नया ऐड किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है? पहली बात कि ये जुडिशरी की पावर ले रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर को अफेक्ट कर रहा है, पहली चीज ये, ठीक है। तो आपका ये जो चीज है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा, ये बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वायलेट कर रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर भी बेसिक स्ट्रक्चर है, जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो आपने अपील की है उस अपील को हम कंसिडर करते हैं और आपका जो इलेक्शन है उसको हम लोग अपहेल करते हैं और उसको मतलब उसके रिजल्ट को मान्य घोषित करते हैं। तो वो अपील तो इन्होंने जो है मिसिस गांधी के फेवर में सुन ली थी, डिसाइड कर ली थी। लेकिन इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 39th अमेंडमेंट किया गया था उसको जो है इन्होंने वॉइड घोषित कर दिया। बेसिकली उस पर इस आर्टिकल को वॉइड, इसके अंदर और भी चेंजेस किए गए थे जिसे अपहेल किया, लेकिन इस पर्टिकुलर आर्टिकल को जो बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। इट हेल्प टू सीमेंट द फाउंडेशन, जो फाउंडेशन नींव रखी गई थी केशवानंद भारती को, उसको और मजबूत किया इस जजमेंट ने, ठीक है। अब आगे क्या हुआ? आगे कुछ ऐसे केसेज हैं जो इस पर्टिकुलर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फिर से रीअफर्म करते हैं। वो कौन से केस है? वो है आपका मिनर्वा मिल्स केस, ये आपने सुना होगा, आईआर कोहेलो केस जिसे आप 9th शेड्यूल केस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके अंदर पार्लियामेंट ने भी बोला गया है भाई ठीक है अब हम भी मानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर है, और उन्होंने बोला कि आर्टिकल 20 और 21 जो है उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इवन इमरजेंसी के केस में, एक्सटर्नल इमरजेंसी हो या इंटरनल इमरजेंसी हो, इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो ये सस्पेंड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो जुडिशरी तो पहले मान ही रही थी, अब पार्लियामेंट ने मान लिया कि भाई हाँ ऐसा है, ठीक है। तो यहां पे इसको रीअफर्म किया गया। कंक्लूजन क्या है इसका? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिलोसोफर किंग जब बनाया गया था प्लेटो के द्वारा, या बात की गई थी प्लेटो द्वारा, उसने भी इस बात को बोला गया था कि कुछ चीजें हैं उनको छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। वो बहुत पुरानी बात है, एंशियंट टाइम की बात थी। आज की डेट में भी जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलर आए थे जर्मनी से, उन्होंने 1965 में बोला था, एनी अमेंडिंग बॉडी ऑर्गेनाइज्ड विद इन द स्टैट्यूटरी स्कीम, कि कोई भी ऐसी अमेंडिंग बॉडी है जिसके पास पावर है किसी चीज को अमेंड करने का और जिसको स्टैट्यूटरी स्कीम, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है किसको? पार्लियामेंट को, ठीक है। हाउस टू एवर अनलिमिटेड पावर, इसको चाहे कितना भी एब्सोल्यूट पावर दे दो, अनलिमिटेड पावर दे दो, कैन नॉट बाय इट्स स्ट्रक्चर चेंज द फंडामेंटल पिलर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या फिर उस अथॉरिटी को जो है वो नहीं चेंज कर सकते। चाहे उनके पास कितना भी एब्सोल्यूट पावर है, वो उनके फंडामेंटल फीचर्स को, फंडामेंटल पिलर्स को जो है चेंज नहीं कर सकते, और वो पिलर हमारे इंडिया में हम उनको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। और इस बेसिक स्ट्रक्चर के फीचर्स कौन डिसाइड करता है? वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, और अलग अलग समय पे अलग अलग केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स क्या है, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, जो प्रीएम्बल के कुछ फीचर्स हैं जैसे सेक्युलर, सोशलिस्ट, ये जो फीचर्स हैं इनको जो है आप नहीं छेड़ कर सकते। चलिए, आज के एडिटोरियल में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।